हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धनतेरस पर बाजारों में बरसा धन। खुशियां और रोशनी का पंच दिवसीय पर्व दीपोत्सव सोमवार को धन त्रयोदशी के साथ शुरू हो गया। भाई दूज तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर लोगों में अब उत्सुकता देखने को मिल रही है। धनतेरस पर सोमवार को खरीदारी के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े। सारे बाजार खरीदारों की भीड़ से भरे नजर आए। बुध पुष्य नक्षत्र के बाद आज धनतेरस पर सभी खाली बाजार भर गए। भीड़ को देखकर जोधपुर का व्यापार जगत भी उत्साहित नजर आया। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव सोमवार को धनतेरस के साथ प्रारंभ हो गया। दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस पर आज एक बार फिर बाजारों में धूम मच गई। बुध पुष्य नक्षत्र पर हुई रिकॉर्ड बिक्री के बाद सोमवार को धनतेरस पर भी अच्छी बिक्री हुई। शहरवासियों ने धनतेरस पर शुभ मुहूर्त के अनुसार खरीदारी की। धनतेरस को देखते हुए आज सुबह से ही शहर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। ज्वेलरी, वाहन, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बर्तन आदि की दुकानों पर सर्वाधिक भीड़ पड़ी। धनतेरस पर सवेरे से ही जोधाना के बाजार में मुहूर्त के हिसाब से धन बरसना शुरू हो गया। धनतेरस पर लोगों ने दिल खोलकर खरीदारी की। अमूमन देरी से अपने प्रतिष्ठान खोलने वाले दुकानदारों ने भी आज अपने प्रतिष्ठान जल्दी खोल दिए। धनतेरस पर शहरवासियों ने चांदी के सिक्के से खरीदारी शुरू की। कहा जाता है कि चांदी के सिक्के की खरीद के बाद घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। मान्यता अनुसार चांदी के सिक्के की खरीद को शुभ कहा गया है। इन सिक्कों पर लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माता के चित्र अंकित होते हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।